हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट फैशन स्टार एक्सपेरिमेंट। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पर ब्यूटी मेकअप स्टाइल और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर मिल जाएगी। और हाँ, मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे मैसेजेस के रिप्लाई करूंगी। मैंने अपने इंस्टा आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, बाल चाहे लंबे हों, छोटे हों, पतले हों या मोटे हों, डैंड्रफ की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। और सबसे मेन बात, ये दूसरों को इजिली विजिबल हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को अवॉइड करने लगते हैं ताकि वो हमारे डैंड्रफ को नोटिस ना कर सके। और इससे होने वाली इचिंग तो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग होती है। तो आज मैं आपको कुछ पैक्स और कुछ ऑयल बताऊंगी जिसे आपको रेगुलर यूज़ करना है, जिससे आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मूव ऑन टू वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट पैक बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत होगी, एक शैम्पू पाउच और दूसरा डिस्प्रिन शैम्पू। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, एक रुपए का ये पाउच इजीली आपको दुकान में मिल जाएगा। आप चाहें तो अपना फेवरेट शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। इस शैम्पू पाउच से हमें पूरा शैम्पू बोल में डाल लेना है, जो कि हमारे हेड के लिए इनफ होगा। देन हमें सिर्फ एक डिस्प्रिन लेना है और इसे इस शैम्पू में मिक्स करना है। गाइस, डिस्प्रिन कैन पोटेंशियली रिड्यूस डैंड्रफ सिम्टम्स। इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे ज़्यादातर शैम्पू में, जो डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं उनमें ये कॉमनली यूज होता है। और गाइस, सैलिसिलिक एसिड हमारे एक्सेस डैंड्रफ फ्लेक्स को भी एक्सफोलिएट करता है और ये ऑयल बिल्डअप को भी प्रिवेंट करता है और हमारे स्कैल्प में जो इन्फ्लेमेशन होता है इसे भी रिड्यूस करता है। हमें इन दोनों को तब तक मिक्स करना है जब तक हमारे डिस्प्रिन शैम्पू में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। सो गाइस, हमें दूसरा पैक बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है ऑलिव ऑयल, एलोवेरा, हाफ लेमन और टी ट्री ऑयल। हाँ, इन सारे पैक्स को हमें कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में करके दिखाऊंगी। सो सबसे पहले हमें 1 स्पून ऑलिव ऑयल लेना है और इसे बोल में डालना है। एंड देन हमने जो ये हाफ लेमन लिया था इसे हमें पूरा स्क्वीज़ करना है और उसके बाद हमें 2 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल इसमें मिक्स करना है। गाइस, टी ट्री ऑयल बहुत ही हार्ड होता है, सो हमें इसे सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही ऐड करना है। टी ट्री ऑयल आपकी डैंड्रफ से होने वाली इचिंग को भी परमानेंटली ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है, तो हमें इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही लेनी है। एंड देन हमें एलोवेरा लेना है, इसे हल्का सा कट करना है एंड देन इसकी इनर लेयर को हमें इसमें ऐड करना है। एलोवेरा में विटामिन, मिनरल और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि हमारे हेल्दी स्कैल्प के लिए और हेल्दी हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप नेचुरल एलोवेरा ही यूज़ करें। एंड देन हमें इन चारों को अच्छे से मिक्स करना है और इसे कैसे अप्लाई करना है ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो थर्ड पैक बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी, ऑलिव ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल्स। हमें यहाँ सिर्फ 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल लेना है और इसे बोल में डालना है और सिर्फ 1 विटामिन ई कैप्सूल लेना है और इसके अंदर के ऑयल को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऑलिव ऑयल में विटामिन ई, के, आयरन, ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके सिर्फ डैंड्रफ की प्रॉब्लम को ही नहीं बल्कि हेयर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो आपके बालों का झड़ना हो, 2 मोहे बाल हों या फिर सफ़ेद बाल, उन सबको भी सॉल्व करता है। सो यहाँ हम ऑलिव ऑयल में विटामिन ई कैप्सूल ऑयल को अच्छे से डालेंगे एंड देन हम इसे मिक्स करेंगे। सो लास्ट पैक के लिए हमें ऑलिव ऑयल, हाफ लेमन और एलोवेरा, सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल लेंगे और इसे हम बोल में डालेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको ऑलिव ऑयल के प्रॉफिट्स बताए, सो अगर आपको डैंड्रफ के साथ हेयर से रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम है तो भी आप नॉर्मली सिर्फ ऑलिव ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं। सो इस बोल में जिसमें हमने ऑलिव ऑयल डाला था, इसमें हमें हाफ लेमन स्क्वीज करना है। लेमन आपके डैंड्रफ के साथ साथ उससे होने वाली इचिनेस पर भी डायरेक्ट अटैक करता है और उसे ख़त्म कर देता है। एंड देन हमें हल्की सी ये एलोवेरा लीफ लेनी है और इसे कट करनी है और इसके इनर लेयर को हमें यूज़ करना है। अगेन आई विल से कि अगर पॉसिबल हो तो आप नेचुरल एलोवेरा ही यूज़ करें। एंड देन हमें इन तीनों को अच्छे से बोल में मिक्स करना है और इसे कैसे अप्लाई करना है ये मैं आगे आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। क्योंकि इस पैक में हमने एलोवेरा ऐड किया है तो हमें इसे देर तक मिक्स करना होगा ताकि ये एलोवेरा लेयर हमारे जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। सो इसे हमें टाइम देकर अच्छे से मिक्स करना होगा। गाइस, ये है हमारा फर्स्ट ऑयल और इसे कैसे
ऐसे अप्लाई करना है, इसे आपको अपने हैंड पे लेना है और अपनी स्कैल्प में अप्लाई करना है। ये है हमारा दूसरा पैक जिसमें हमने लेमन ऐड किया था और इसे भी हमें अपने हैंड में ऐसे लेना है और देन हमें अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है। और ये है हमारा तीसरा पैक, इसे भी हमें सेम वैसे ही अप्लाई करना है और इसे हम सिर्फ अपनी स्कैल्प में ही नहीं अपनी एंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप अपने पूरे बॉडी में अप्लाई कर सकते हो और रात को आपको इसको अप्लाई करना है, नेक्स्ट डे आपको इसे वॉश कर देना है। यू विल फील द डिफरेंस। ये हमारा लास्ट पैक है जिसमें हमने शैम्पू ऐड किया था और इसे हमें नहाने के 15 मिनट पहले अप्लाई करना है अपने स्कैल्प में एंड ऐसे हमें अपनी स्कैल्प में अप्लाई करना है, देन हमें वॉश कर देना है। सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मुझसे डायरेक्टली बात करने के लिए आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय।